हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इंडियन मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट की, जो मिनिस्टर हैं हमारे, उसके नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक नया ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो रूल है उसे चेंज वो चेंज होने वाला है। वो नए ड्राफ्ट में क्या क्या लेके आ रहे हैं, हम आज वीडियो में इसी वीडियो में आगे आपको बताते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अभी तक होती आ रही थी, कैसे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस अब तक बनते आ रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है कि ना, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव में राजी चौक के पास कोर्ट है, तो उसी के बिल्कुल कोर्ट में ही वहाँ पे RTO ऑफिस है। RTO ऑफिस में ही वहाँ पे जाके ये आपके पहले हमें फर्स्ट सबसे पहले देना पड़ता था, लर्निंग का टेस्ट देना पड़ता था। तो उसमें हमारा जाके हमारी पिक्चर क्लिक होती थी, 1200-1300 रुपये फर्स्ट टाइम हमारे लगते थे। उसके बाद हमें फिर वहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के लर्निंग टेस्ट देना पड़ता था। तो उसमें हमारे को रूल्स के बारे में, जो कि हमें पहले से 90% लोगों को पता भी होता है, पर ले बहुत ही कम लोग जल्दी से, इतनी जल्दी नहीं, बहुत प्रॉब्लम आती है उसे भी क्लियर करने में। पर लेकिन वहाँ पे दलाल भी मिलते थे जो कहते थे हमें दे दो 2000, हमें दे दो 5000, हमें दे दो 6000, हम आपको घर बैठे बैठे दिला देंगे लाइसेंस। तो अब शायद से, मेरे को ऐसा लगता है, नए ड्राफ्ट के साथ जो ये नया रूल बनेगा, इससे ना जो ये दलाल थे, देखो यहाँ पे इंडिया में ना करप्शन तो खत्म हो नहीं सकता, पर हाँ, जो अब तक जितना करप्शन था ना, तो अब उससे थोड़ा सा कम ही होएगा, उससे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि जब एक अथॉरिटी जो पहले से था ना, कि आप सीख के कहीं आते थे, टेस्ट कहीं देना पड़ता था, लाइसेंस कहीं और से मिलता था, तो ये तीन चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हो जाती थी। तो अब हमारे पास ये हो गया है कि काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे इसमें। तो वही जो आपको सिखाएगा, जो जिस स्कूल से आप सीखोगे, ड्राइविंग लर्निंग स्कूल से, वो ही आपको एलिजिबल, वही बताएगा कि आप भाई एलिजिबल हो या नहीं हो, आप उसके लायक हो या नहीं हो, कि भाई आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, लाइसेंस आपको, मतलब वो ही प्रोवाइड करेंगे लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि अब आपको वो सिखाएंगे, फिर आपको अथॉरिटी में जाना है, फिर आपको जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस के बाद, लर्निंग लाइसेंस के बाद हमें 1 महीने का टाइम मिलता था कि हम लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद ड्राइविंग स्कूल से सीखें। उस 1 महीने के अंदर फिर हमें फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती थी। प्रॉब्लम तो क्या, पर लेकिन एक इंस्पेक्टर होता है जो हमें मॉनिटर करता है वहाँ पे, हमें हमारे को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि हमारी ड्राइविंग कैसी है। हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी उसमें, इवन मैंने भी दिया है तो मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो हर किसी को आती है, जो उनके रस्ते होते हैं, जो बनाते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो वो, और वहाँ पे इतने सारे लोग भी होते हैं, जैसे हर कोई आता है ड्राइविंग, एक टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का टेस्ट होता है, तो भीड़ भी होती है, तो नर्वसनेस भी आई हो ही जाती है, इवन मेरे को भी हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट ये कैसे मिलेगा, इन ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू। तो हमें सर्टिफिकेट जो मिलेगा, हमें उसमें 29 आवर्स हमें ट्रेनिंग दी जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस को पाने, ड्राइविंग सर्टिफिकेट को पाने के लिए। तो उसको उसमें होगा 21 घंटे का होगा हमारा फिजिकल, जिसमें हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। बाकी के बचे 8 घंटे में हमारे को थ्योरी, मतलब हमारे को पढ़ाया जाएगा कि गुड हैबिट्स के बारे में, कि हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, मतलब कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर पे हमें चीज़ें, मतलब हमें वैसे थ्योरी की चीज़ें समझाई जाएंगी। और मीडियम से लेकर और हैवी व्हीकल तक सबके लिए ही 29 आवर्स की रहेगा टाइम पीरियड। और वो हम चाहे 1 हफ्ते में कंप्लीट करें, चाहे हम उसे 4 हफ्ते में कंप्लीट करें, वो एक आप पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है, अभी भी जो हम ड्राइविंग सीखते हैं, कभी किससे हम 1 घंटा भी सीख लेते हैं दिन में, कभी हम आधा घंटा भी सीख लेते हैं, तो वो ऐसे ही रहेगा। उसमें कोई वो कंपलसेशन नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में ही 29 घंटे करने हैं आपको। ऊपर है हमारे लिए ये है कि 24-29 घंटे हमें 4 हफ्ते में ही करने हैं, ये चीज़ है। पर और हमें बहुत इनफ टाइम है, तो जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उस हिसाब से देख लो, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप इजीली कर सकते हो, और ये बहुत बेस्ट और इजी तरीका है। जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अगर आप वहाँ से सर्टिफिकेट पा लेते हो, सर्टिफिकेट आप उनसे ले लेते हो, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्ट में जाके, मतलब अथॉरिटी के पास जाके, वहाँ पे टेस्ट जो देते हैं वो नहीं देना पड़ेगा, आप उससे बच जाओगे। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए। तो फर्स्ट जो है
वो है हमारे को 5 ईयर्स तक 50,000 रुपीज दे के 5 ईयर्स तक हमें गवर्नमेंट लाइसेंस देगी ट्रेनिंग सेंटर का। सेकंड है हमारे पास 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए, कंपलसरी है 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए हमारे पास। थर्ड है पार्किंग स्पेस होना चाहिए, सपोज हम वहाँ पे गाड़ी यूज करेंगे मतलब हम सिखाएंगे तो वहाँ पे पार्किंग एरिया भी होना चाहिए अपनी गाड़ियों को खड़ा करने का। थर्ड है वहाँ पे क्लासरूम्स होने चाहिए जिसमें हम थ्योरी क्लासेस लेंगे वो लोग, तो क्लासरूम्स भी होना कंपलसरी है। और फोर्थ है आपका 12th, जो हमारा स्टाफ होगा वो क्या स्टाफ हो में कंपलसरी स्टाफ में ये होगा कि हमें 12th पास रखना, 12th पास ही रखना है मिनिमम, और उनको 5 ईयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनके वो मोटर मैकेनिकल उनका मैकेनिकल्स में इसमें कोर्स होना चाहिए, उन्होंने करा हुआ होना चाहिए। थर्ड है ट्रैक्स, ट्रैक में हमें उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैक का जैसे सपोज भाई उसमें उन्हें थोड़ा सा ऊंचाई वाला भी बनाना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारे को जो जो गवर्नमेंट की और इसमें बताएगी क्राइटेरियाज देगी तो वो सारे उन्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे। और लास्ट है इसमें जो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट बीच इसमें ऑडिट, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो आके ऑडिट भी करेंगे या उस चीज़ को देखेंगे कि आप लोग कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, सारा रिकॉर्ड भी आपका चेक करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है और शायद सब इससे करप्शन भी कम होगा। अब कि गवर्नमेंट चेंज क्यों लेके आई है, गवर्नमेंट चेंज इसलिए लेके आई है क्योंकि अब आप देखा जाए तो 20 लाख ड्राइवर्स की कमी है हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, और 84% 84% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर्स की कमी की वजह से, तो उनकी भी वो थके हुए होते हैं, उनको मतलब दे दिया जाता है कि भाई तेरे को वहां मुंबई पहुंचना है इतने घंटों में, अब वो इंसान कैसे, अरे अकेला है चलाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो लोग फिर ड्रिंक भी करते हैं अपनी थकान, और पता नहीं कैसे कैसे चीजें अपनी थकान दूर करते हैं अपना, तो फिर वो चीज सही नहीं है, और एक ही इंसान पे बर्डन पड़ता है इतना किलोमीटर्स ट्रेवल करना। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से ली है, तो वो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और एक बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है तो जो इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। और आपको और भी ऐसी कोई वीडियोस चाहिए हो या आपको और स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में ढंग से समझना हो या तो मैं उसके लिए मैं उस पर स्टडी करके मैं आपके लिए वीडियोस और बनाऊंगा। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि अगर आपको किसी चीज़ स्पेसिफिक किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं।